बस जो आ रही है ये जाएगी मुंबई से नागा। बस को नीचे ब्रिज से नहीं लेकर के आए। तुमने उसको बोला बस रोको मत, तुमने बोला गाड़ी पैक हो गया, आवाज नहीं हुआ था। स्टॉप किधर है और कहाँ रुकता है? इधर उधर रुकता है और भाग भाग के जाता है, खुल जाता है, ऊपर से रुकता ही नहीं है। बस किधर है? बस किधर है? तुमने बस को कहीं नहीं रोका और तुमने कहा कि बस को जाने दो, रोकना मत। राह टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत गेयर में। पिछले कुछ दिनों से लगातार आम जनता की समस्याएं सामने आ रही थी कि बस को लेकर काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी। जिस तरह से बस यहां से चलती है भारत गेयर से लेकर मुलुंड तक जाती है, लेकिन इस दरमियान भारत गेयर से लेकर रेती बंदर तक के बीच में सिर्फ दो से तीन जगहों पर बस रुकती है और कोई कोई बस रुकती ही नहीं है। इसी मामले को लेकर आज कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष व परिवहन सदस्य शमीम खान ने जो है आज स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग ऑपरेशन करने का मामला क्यों आया सामने? क्योंकि आम जनता, जो मुमरा कौसा की जनता, वो बसों पर सवार नहीं हो पाती थी, बस कहीं रुकती नहीं थी। यही वजह है कि कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान स्टिंग ऑपरेशन किया। वो उन्हें ये जानना था कि आखिर ये बस क्यों नहीं रुकती है, बस नहीं रुकने की वजह क्या है। तो आज स्टिंग ऑपरेशन सबसे पहले सुबह 9:30 बजे यहाँ से किया है और बस में सवार हुए हैं आम जनता की तरह, जिस तरह से आम जनता हर रोज बसों में सवार होती है। और इसी मामले को लेकर हम आज बात करेंगे जो है शमीम खान साहब से, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो स्टिंग ऑपरेशन की है और क्या उनको जानकारी हासिल हुई है और क्या उन्होंने देखा है और वो क्या कहेंगे इस मामले में। शमीम भाई, क्या कहेंगे आप जो है जिस तरह से लोगों की शिकायत मिल रही थी बस स्टॉप पर बस नहीं रुकती है, वह अन्य जगहों पर लोग हाथ दिखाते थे वहाँ भी नहीं रुकती थी, तो आज आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, क्या मतलब आपने देखा इन बस कंडक्टरों का और ये बस ड्राइवरों का क्या लापरवाही है? फिरोज हाशमी जी, आज हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, डॉक्टर मुमताज शाह, मुफ्ती साहब, इम्तियाज भाई, हमारे कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जॉर्ज शेख मेडिकल, रफी मुल्ला और तमाम पत्रकार भाइयों के साथ आज हम लोगों ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, ये क्यों करना पड़ा हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। एक्चुअली आज लोकल ट्रेन बंद है, लोकल ट्रेन बंद है तो पब्लिक को सेवाओं के लिए, पब्लिक वक्त से अपने दफ्तर पहुंच जाए, अपने ऑफिस पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए, इसको देखते हुए हम लोगों ने मांग किया था। हमारे जो व्यवस्थापक जी हैं उनसे हमने मांग किया था कि मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि थाने में बसेस बढ़ाई जाए और बसेस बढ़ गई। हमारी मांग थी, मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हमने बीच में एक बार आवाज़ उठाई थी हमारे ऑफिस के अंदर परिवहन समिति के, वहाँ हमने बात किया था हमारे व्यवस्थापक जी से कम भारत गेयर से लेकर के बस चलाई जाए मुलुंड तक और मुलुंड के बाद मुंबई के लिए वहाँ से बस कनेक्टिंग किया जाए, जो कि उन्होंने बस कर दिया। 40 फेरे मारती हमारी बसेस, लेकिन हमें कंप्लेन थी। हमारी भाभी रूता अवार्ड साहबा ने मुझे एक दिन कॉल करके बताया और मुमरा कौसा के तमाम नागरिक ने बताया जिनको बस की तकलीफ होती थी कि शमीम भाई बस निकलती है, आती है बस जरूर, लेकिन लेट होती है, कहीं ना कहीं बस आती है तो हम हाथ दिखाते हैं, बस रुकी नहीं जाती है।
इन चीजों को देखते हुए आज माननीय डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब, श्री वीरेश्वर भाई साहब, आनंद प्रात्य साहब के नेतृत्व में आज हमारे साथियों और हम लोगों ने आज स्ट्रिंग ऑपरेशन किया भारत गेट से, जिसमें कंप्लेन ये मिली बस क्रमांक MH041843, इसके कंडक्टर दिलीप भोले, ड्राइवर हनुमान साढ़े, और उसके बाद हम ये बस की पहले हम बता दें स्टोरी आपको, ये बस भारत गेट से निकलती है कंपनी से, लेकिन ये खाली 3 जगह रोकी जाती है। उसके बाद कंडक्टर आवाज़ देता ड्राइवर को, बस जाने दो, रोको मत। जबकि मैंने देखा आवाम परेशान है, आवाम परेशानी की हालत में हाथ दिखा रही है, रोकना चाह रही है, लेकिन ये बस रोकी नहीं जाती है। उसके बाद ये बस पहुंचती रेती बंदर, वहाँ इनको हम नीचे उतारते हैं। ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, आइंदा हम गलती ऐसी नहीं करेंगे, लेकिन हमने मांग किया है हमारे व्यवस्थापक जी से कि कंडक्टर दिलीप भोले, ड्राइवर हनुमान साठे को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक इनको सबक नहीं मिलेगी, जब तक इन पर एक्शन नहीं होगा, जब तक ये बसेस के जो हमारी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, इसके बारे में सही तरीके से ये लोग बस चलाएंगे नहीं, और ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। उन दोनों के पास बैच नहीं थे, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर को बैच दिया जाता है, उनके यहाँ बैच लगाना चाहिए। रेती बंदर पर हम खड़े थे, जो बस 494 बस आती है, जो बस आकर के पब्लिक को लेकर के यहाँ से मुंबई घाट के ऊपर जाती है, वो बस भी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब और हम लोगों ने उनके नेतृत्व में शालू पठान, हम लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने, हमारे साथियों ने मांग किया था ये बस चलाई जाए। 494 बस चलाने के लिए भी हो गई बातें और बस चलाई जा रही है, लेकिन आज अगर आप वहाँ देखें तो लोगों की शिकायत है कि सर हम मुमरा से आते हैं, हम पैदल आते हैं, हम रिक्शे में आते हैं, बस हमको बिठा करके नहीं लेके आती है। जब आप सुबह में निकले बस से, जो है आपने स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया, तो इस बीच जो है मतलब किस तरह से जो बसें यहाँ से रूट बनाई गई है, वो बस ब्रिज के ऊपर से ना, मतलब ऊपर से गई, नीचे से जाने के बजाय, ये दिखा क्या? जो देखिए, नीचे मार्केट का इलाका होता है, मुमरा रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ हमारे दत्तूवाड़ी और यहाँ इतराफ के लोग होते हैं, तो वो लोग वहाँ खड़े होकर के बस का इंतजार करते हैं। लेकिन ये बस को फ्लाईओवर से लेके चला गया ये कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने। अभी पिछले दिनों आप ही ने जो है कुछ अधिकारी को लेकर आए थे, और उसमें मैं भी मौजूद था, वहाँ पर बताया गया कि ये बस जितने भी हैं वो सब नीचे से जाएंगे, तो ऊपर से क्यों जा रहे हैं? देखिए फिरोज हाशमी साहब, ये सब जो इनकी गलतियाँ हैं, इनको दुरुस्त करने के लिए माननीय डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के आदेश अनुसार आज हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है। और हम बता दें आपके माध्यम से कि जब हम वहाँ से रिटर्न हुए रेती बंदर से भारत गेट के लिए, अभी हम इस वक्त खड़े हैं दाऊद वेंकटेश्वर हॉल पे, जहाँ पे इसके पहले भी 4 बस स्टॉप था, यानी ये जो बस ड्राइवर हैं उनका नाम है दिगंबर राणे, बस नंबर है 804, कंडक्टर है सुनील बिरारे, MH04G8156। ये रेती बंदर से जो अभी यहाँ पर ये बस जो डोंबोली जा रही है, हम लोग ये बस में चढ़ते हैं स्टिंग ऑपरेशन के तहत, हमारा टिकट लेते हैं, उसके बाद हमने देखा ये बस में क्या फॉल्ट मिला आपको, जो है किस तरह की लापरवाही आपको, फिरोज हाशमी जी, कि ये बस में सबसे बड़ा फॉल्ट हमको ये मिला कि जब बस रेती बंदर से आती है सिलफाड़ा के लिए, तो वो बस फ्लाईओवर से आती है, वो बस को नीचे से आना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू जो है, आगे आकर के एक लड़का चढ़ता है अमृत नगर के पास, और वो आकर के किस्मत कॉलोनी के पास बस से उतर जाता है, लेकिन कंडक्टर उसका टिकट नहीं लेता, उसको टिकट लेने के लिए नहीं बोलता ना, वो टिकट लेता है वो लड़का, जो भी कोई पैसेंजर्स होता है। उसके बाद सिर्फ इन्होंने 3 जगह बस को रोकी है, जबकि मेरे हिसाब से भारत गेट तक टोटल 16 बस स्टॉप है, यानी होना चाहिए, इनके जो हमारे रिकॉर्ड में जो डायरी में जो इनका मेंशन है, यानी बस रोकने का 16 है, लेकिन इन्होंने 3 जगह रोका और बस खाली थी 70%। जाने के टाइम जो है कितने जगहों पर रुका, जैसे यहाँ भारत गेट से जब शुरू हुआ तो रेती बंदर तक के दरमियान 3 जगह रुका, जबकि उसको 16 जगह रोकना चाहिए था। और जब उनसे हमने पूछा तो वो यही कहते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, ऐसी गलतियों की माफी नहीं है। मैं हमारे व्यवस्थापक दिगंबर राणे, जो ड्राइवर है कंडक्टर सुनील बिराड़े, बस नंबर MH04G8156, बस क्रमांक MH04HY1843, कंडक्टर दिलीप भोले, ड्राइवर हनुमान साठे, इन पे एक्शन लेते हुए
इनको सस्पेंड किया जाए। अगर इन पे इनको सस्पेंड नहीं हम करेंगे तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और जो बाकी लोग हैं वो भी ऐसे ही करेंगे जैसे ये कर रहे हैं। इसलिए हम विनंती करते हैं मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोगों को गबत साहब हमारे जो व्यवस्थापक हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको आज के आज सस्पेंड किया जाए और आगे के लिए सुधार किया जाए और कुछ बसेस बढ़ाई जाए, जो कि 494 बसेस है, किलोमीटर का एरिया है, उसमें कई सारे नेता हैं, लेकिन इस तरह से समस्याएं हमेशा आती रही है, लोग जो है चुप रहे हैं। लेकिन आज जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये कैसे ख्याल आया आपको स्टिंग ऑपरेशन करने का? कहीं वो जिस तरह से आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है वो नायक फिल्म का जो है फिल्म आपने देखा है, हमने भी देखा है, सबने देखा है, कहीं ना कहीं ये वो तर्ज हो रहा है, तो किस तरह से आपने? देखिए फिरोज हाशमी जी, फिल्म तो फिल्म होती है, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब जमीन पे काम करते हैं, तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वो मिनिस्टर हैं और आज हमारे नेता महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं, हम उनके सिपाही हैं और हम संगठन से गए हुए लोग हैं। आज जो परिवहन के हमें पद मिली है वो संगठन की पद मिली है, हमको संगठन में हमने काम किया है। तो जो आदमी जमीन पे काम करता है वो पिक्चर पे ध्यान नहीं देता, वो जमीन पे ध्यान देता है। जिस तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन थी वो फिल्मी स्टाइल। फिरोज हाशमी जी, आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह लें, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम जितेंद्र अवार साहब के सिपाही हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हमारे शहर में होने वाली हर परेशानियों को लेकर के, इस तरह से ये समस्याएं चल रही थी, ये काफी दिनों से चल रही थी, तो इसके पहले आपने और पहले की कोशिश नहीं की? हमारे पास जब इसकी इन्फॉर्मेशन आई, देखिए महामारी के पीरियड में कहीं ना कहीं आप जानते हैं हम भी पॉजिटिव थे, कहीं ना कहीं आप जानते हैं हमारे नेताजी के साथ में हम लोग मिल करके, मुफ्ती साहब, हमारे डॉक्टर साहब इम्तियाज खान, हमारे कौशा के ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेडिकल, शानू पठान, हमारी बहुत सारे हमारे लोग मिल करके, हम लोग सब हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग कम्युनिटी किचन सेंटर चलाते थे, ऐसी सब चीज़ों को लेकर हम कहीं ना कहीं दोस्त थे फिरोज हाशमी जी। लेकिन अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो था वहाँ पे कहीं ना कहीं सहूलियत मिली है, उसको देखते हुए लोग अपने काम धंधे पे लोग यहाँ वहाँ निकल रहे हैं एहतियात करके मास्क का, तो जब लोग निकल रहे हैं और लोकल ट्रेन बंद है तो उसकी पैसेंजर्स की दूसरी सुविधा क्या है? बस है, और बस की जिम्मेदारी अगर मेरे ऊपर है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा अखलाकी फरीजा बनता है। और मैं कहना चाहता हूँ ये स्टिंग ऑपरेशन फर्स्ट जरूर है लेकिन लास्ट नहीं है, ऐसे स्टिंग ऑपरेशन डेली होते रहेंगे। जो बस ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर ड्राइवर हैं, वो कान खोल के सुन लें। जिस तरीके से आज इन चार दो ड्राइवर को सस्पेंड का मैंने मांग किया है और आज शाम तक इनका ऑर्डर निकलेगा, अगर इस तरीके से इस पे ध्यान नहीं दिया गया, मैं सिर्फ मुमरा करवा की बात नहीं करता हूँ, थाने महानगर पालिका की हद में जहाँ तक बसें चलाई जाती है, अगर वहाँ ध्यान नहीं दिया गया तो ये स्टिंग ऑपरेशन हम जितने 12 सदस्य हैं हम अपने हर इलाके में करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस तरह से आपने फिल्मी स्टाइल में देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन करते हुए, लेकिन आज रियल में कलवा उमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान ने किया है स्टिंग ऑपरेशन। उनको ये जानकारी हासिल करना था, उन्होंने हासिल किया कि आखिर किस तरह के ये बस कंडक्टर और बस ड्राइवरों ने लापरवाही कर रहे थे लोगों के साथ, लोग घंटों खड़े रह जाते थे लाइन में कतार में, लेकिन बस उन्हें रिसीव नहीं करती थी, बस उस जगह पर नहीं रुकती थी। बहरहाल आज ये साफ हो गया तो 3 स्टॉप पर रुकाए बस को और उसके बाद जो है कहीं नहीं रुकाए, सीधा रेती बंदर में पहुंचे। तो वहां पर पहुंचने के बाद कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने जो है उन्हें अपना कार्ड दिखाया, कार्ड दिखाने के बाद बस कंडक्टर और जो है ड्राइवर को रोका, उनसे सवाल पूछा, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि बसों की लापरवाही है, कहीं ना कहीं ये साफ हो गया बस कंडक्टर और जो ड्राइवरों की लापरवाही के कारण जो है लोगों की जो समस्या है सामने आ रही है। कैमरामैन रहमान के साथ फिरोज हाशमी, प्रहार टाइम्स, मुमरा।